और आपने जो सोशल काम किया यानी अपने सामाजिक जो काम किया है और उसके अंदर ऐसे ऐसे मैसेज आपने दिए यानी इक्वलिटी के, ह्यूमन इक्वलिटी के, और इसी तरह जो है मानव समानता उसको एकसानियत के बारे में ऐसे ऐसे पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लम ने दिए कि सारे इंसान बराबर है। ऊंच नीच को आपने ख़त्म कर दिया, गोरे काले के फ़र्क को आपने ख़त्म कर दिया, औरतों को बराबर का आपने दर्जा दिलाया, तो तमाम चीज़ें आपने ये की। और ये आज के कौमें नहीं, कौमें हैं अलग अलग जात पात, यानी उस जात पहचान के लिए तो है, आज भी हैं कि भाई ये पहचाना जाता है ये कुरैशी है, ये फलाँ है, ये फलाँ है, ये पठान है, लेकिन वो सिर्फ पहचान के लिए है, निजात का सिस्टम इस्लाम में नहीं। ये यहाँ पर होने की वजह से ऐसा मुसलमानों को भी इसके अंदर आ गए कि यार यहाँ जिस तरह से अलग अलग लोग रहते हैं तो हमारे अंदर भी जात का सिस्टम है, तो इसलिए वो भी अपनी अपनी जातों के अंदर ही उसके अंदर शादी ब्याह करना, निकाह करना, लेकिन इस्लाम में नहीं। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया सूरह हुजरात 49 आयत नंबर 13 में फरमाया कि ए लोगों जो तुम ईमान लाए हो, ए लोगों एक माँ बाप से हमने तुमको पैदा किया और फिर तुमको कुनबों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान, पहचान के लिए बताया गया, सिर्फ इसलिए नहीं बताया गया कि ताकि एक मजलिस के अंदर अगर 10 लोग एक जैसे नाम किया जाए अब्दुल्ला 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 तो उसकी पहचान क्या है, वो उसकी पहचान की वजह से कबीले के नाम से वो पहचाना जाता है, किस कबीले का है, तो पहचान के लिए बताया। तो अल्लाह के नज़दीक तो बेहतरीन वो है जो सबसे ज़्यादा उससे डरे, तो वो अल्लाह के अंदर बेहतरीन। जात पात या ऊँचे नसब के अंदर पैदा होना ये जो है अल्लाह के नज़दीक नहीं है, अल्लाह के नज़दीक तो ये है। तो अल्लाह तमाम चीज़ों को जानने वाला है, तो ये कवानीन अल्लाह ने दिए और ये कवानीन आज दुनिया के अंदर है, ये कवानीन वही है और ये फितरत से है, क्योंकि दुनिया भर के कवानीन के अंदर तो यही बनाया जाएगा, भले लोग माने ना माने बात अलग है, दुनिया के जितने भी कानून बने हैं उसके अंदर यही बताया जाएगा कि जात वात से फ़र्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का कानून है वो सबके लिए बराबर है, हर आदमी के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ऊंची जात का है नीची जात का है, ये तो लोग फ़र्क करते हैं लेकिन कानून ने फ़र्क नहीं किया। तो अल्लाह का भी वही कानून है कि अल्लाह ने फ़र्क नहीं किया, सब लोग एक जैसे, सब को हमने पैदा किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लम ने, अब ये सिर्फ क्या होता है कि फलसफी बात है कि बोले हाँ होना चाहिए, कानून बनाए जाते हैं कि सब एक रहो लेकिन होते नहीं, हमारा हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि कानून तो बनता है, फिलासफर बोलते हैं ऐसे जो है सामाजिक निज़ाम को कायम किया जाए लेकिन वो क्या होता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इम्प्लीमेंट करके बताया, सबूत दिया उसका कि देखो कैसे होता है चेंज। अगर उन्होंने काले गोरे के फ़र्क को और गुलाम को और आका को एक साथ बैठकर खाना जहाँ उनको खिलाने के लिए तरगीब दिलाई, तो वही सबसे आला मकाम यानी मुसलमानों की सबसे बेहतरीन जो मस्जिद हरम के बाद यानी मस्जिद नबवी के अंदर सबसे पहली अजान अगर अल्लाह के रसूल सल्लम देने का हुक्म दिया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया, उनको कहा कि काले हफ्सी गुलाम जिनकी नस्ल का पता नहीं कौन, इंतहाई काले क्योंकि हफ्सी बहुत काले होते हैं, और वो ऐसी शख्सियत को उन्होंने ऊपर खड़ा करके उनसे कहा कि अजान तुम दोगे, तो करके बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोड़ दिया, तो करके बताया कि देखो ऐसे इम्प्लीमेंट होता है। तो और यहाँ तक कि आपने सिर्फ यही नहीं कहा कि जात पात निज़ाम को छोड़ो और नस्लों को छोड़ो, ये अल्लाह के रसूल सल्लम की ने उनके जो गुलाम थे जेद रजीलान उनकी उनका निकाह अपनी फूफी जात बहन से उन्होंने करवा दिया, करके बताया, ये नहीं कहा कि सिर्फ जो है करो, हम बोलते ज़रूर है कि सब नहीं करना चाहिए और जात पात नहीं होती, लेकिन उन्होंने करके बताया और उसका निकाह उनसे कराया जबकि वो कुरैश खानदान की थी, और उनका निकाह जो है गुलाम से करवा दिया, उन्हीं के कुछ गुलाम थे तो ये करवा दिया। तो करके बताया, लोगों काले गोरे के कानून लोगों ने बनाए हैं लेकिन वो बना बना कर थक गए, लेकिन अभी तक दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम कायम नहीं हुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा। क्योंकि हम देखेंगे अभी थोड़े साल पहले 8-10 साल पहले अमेरिका के अंदर एक काला शख्स, क्योंकि अमेरिका के अंदर तासुब पसंदी रहती है गोरे ज़्यादा, लेकिन जब एक वहाँ पर एक काला शख्स चुनकर आ गया तो पेपर की हेडिंग उन्होंने क्या दी, अब वो बना कौन है, वो वर्ल्ड का महामहिम बना है, राष्ट्रपति बना है, एक नंबर मुल्क का, लेकिन पेपर की हेडिंग क्या आती है कि ब्लैक इन वाइट हाउस, यानी काला आदमी वाइट हाउस के अंदर। तो जहन से वो चीज़ें निकली नहीं है, चाहे वो उन्होंने बताया कि देखो तुमको कितना ऊपर उठा के हमने बता दिया, हमारी सोच देखो खुली है, लेकिन तुम्हारी पेपर की हेडलाइन से कहती कि तुम्हारे जहन से अभी काले गोरे का फ़र्क नहीं गया, तो ख़त्म नहीं हुआ उनसे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ने ये कर दिया। और इसी वजह से मुसलमानों के अंदर देखेंगे कब सबसे कम काले गोरा ऊँच नीच का आपको फ़र्क सबसे कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कि है ही नहीं है,
कुछ लोग जो नहीं जानते उसकी तालीमात को वो करते हैं फ़र्क, लेकिन अक्सर मुसलमानों के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, ऊंच नीच का जात पात का ये फ़र्क मुसलमानों में नहीं रखता।